आज हम बात करेंगे मॉयस्टेरा के बारे में, यानी कि स्विस चीज प्लांट के बारे में। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्विस प्लांट यानी कि मॉयस्टेरा के बारे में। मॉयस्टेरा बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये इंडोर भी है और आउटडोर भी है, पर इसको ज्यादा सूर्य की रोशनी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। और ये शेडी, जैसे बाहर आप रख रहे हैं इस प्लांट को, तो शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। और ये बहुत ही सुंदर बढ़ता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसको ऊपर की तरफ चढ़ना बहुत पसंद है। जैसे आप किसी दीवार के साथ इसको रख दीजिए या किसी प्लांट के पास रख दीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा तेजी से ऊपर बढ़ता है। और इसकी विशेषता ये है कि इसके पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं। इसके जो होल होते हैं पत्तों में, वही इसकी ब्यूटी है। और ये प्लांट जो है मनी प्लांट की तरह लगता है, जबकि मनी प्लांट नहीं है। मनी प्लांट अलग होता है, जिसे हम पोथोस भी कहते हैं, और ये मॉयस्टेरा है। मॉयस्टेरा की विशेषता ये है कि ये इसके ग्रीन लीव्स होते हैं, बहुत छोटे बड़े ऐसे दो तीन वैरायटी में होते हैं। और मनी प्लांट तो सस्ता होता है, उसकी अपेक्षा मॉयस्टेरा थोड़ा सा महंगा होता है। और ये नर्सरी में करीब 150 से इसकी प्राइस शुरू होती है। जितना भी बड़ा प्लांट हो उस हिसाब से उसकी प्राइस होती है। और इसकी देखरेख में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। सिंपल गार्डन सॉइल के साथ आप गोबर खाद, कंपोस्ट, इस प्रकार से इसका मिक्सचर तैयार करें और पॉट में भरें। बस ये होना चाहिए कि ड्रेनेज बहुत अच्छा हो, क्योंकि इसमें पानी अगर इकट्ठा हुआ तो ये प्लांट जो है गल के मर सकता है। हालांकि बहुत हार्डी प्लांट है, इतनी जल्दी भी नहीं मरता है, पर इसमें ध्यान यही रखना पड़ता है कि पानी आसानी से निकल जाए। और ये आप अंदर रख लो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिस कोने में आप इसको रख दो, बहुत ही सुंदर प्लांट है। जैसे मनी प्लांट रख देते हैं आप तो बहुत अच्छा लगता है, इसी प्रकार से। और सभी पूछेंगे, यार ये प्लांट कहाँ से लाए, इसमें ये होल क्यों है, इसकी ये डिज़ाइन कितनी अच्छी है, ऐसे लोग बात करते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास जब भी लोग आते हैं देखते हैं उस प्लांट को, तो उनको बड़ी कौतूहल रहता है कि ये प्लांट ऐसा कैसे है, इसका ये डिज़ाइन क्या, इसमें छेद हो गए हैं, ये कोई बीमारी लग गई है, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। जबकि वो उसकी ब्यूटी है, जो उसमें पत्ते में होल आते हैं, वो उसका मेन वही उसकी पहचान है। मॉयस्टेरा जो है एक फ्रूट भी लगते हैं इसमें और फ्लावर भी लगते हैं। ये इसकी सबसे विशेष बात है कि इसमें फ्रूट लगते हैं और फ्लावर लगते हैं। तो यही सबसे अंतर है जो मनी प्लांट या और भी कुछ बेल वाले पौधे होते हैं जो चढ़ते हैं मनी प्लांट की तरह, जो प्लांट है। मनी प्लांट और मॉयस्टेरा में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि इनके पत्ते अलग होते हैं, उसमें होल होते हैं। और दूसरा एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसमें मॉयस्टेरा में फल और फूल दोनों लगते हैं, जबकि मनी प्लांट तो सिर्फ लीव्स उसकी रहती हैं बस। ये विशेषता है। और सिमिलरिटी में इंडोर और आउटडोर दोनों में रहते हैं दोनों प्लांट। बस ये है कि इसमें गर्मी में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट बढ़ता है गर्मी में बहुत तेज़ी से, उसी प्रकार से मॉयस्टेरा भी गर्मी में बहुत अच्छा बढ़ता है। गर्मी का मौसम इन प्लांट के लिए बहुत ही सूटेबल है। और मॉयस्टेरा को लगाने का तरीका भी मनी प्लांट की तरह ही है। जो इसकी लीव्स रहती है, उस जो लीव्स होती हैं, जैसे मनी प्लांट में जड़ आती है लीव्स के पीछे से, वैसे ही इसमें भी आती है। तो मनी प्लांट की तरह ही मॉयस्टेरा की भी कटिंग लगती है। आप चाहे पानी में लगा लो और चाहे मिट्टी में लगा लो, दोनों में ही लग जाता है। पर जैसे काफ़ी समय तक अगर इसको पानी में रखा जाए, तो इसको मिट्टी में जब शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा ये पौधा मरने की इसकी थोड़ी सी ज़्यादा चांस बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत समय तक ये पानी में रहता है तो फिर मिट्टी में शिफ्ट करने से ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि अगर मिट्टी, अगर आपने पानी में लगाया है और उसमें रूट आ गई है और उसके बाद आप मिट्टी में शिफ्ट करते हैं, तो ठीक है, लग जाएगा। पर अगर बहुत, जैसे कि सालों कईयों लोग पानी में रखे रहते हैं, बहुत अच्छा बढ़ता है क्योंकि ये पानी में, तो फिर चेंज आप जगह करते हैं तो ये पौधा, उसकी संभावना हो जाती है कि वो मर सकता है। और इसको देखरेख इसकी बहुत ही आसान है, जैसे कि और प्लांट है उसी प्रकार से। बस बहुत तेज़ धूप में ये मुरझा जाता है, तो इसको बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, सूर्य की इनडायरेक्ट रोशनी चाहिए इसे। और इसकी एक और विशेषता ये है कि मॉयस्टेरा में जो फल लगते हैं, उनका टेस्ट बनाना और पाइनएप्पल मिक्स अगर करें तो उसका टेस्ट जो होगा, उस प्रकार का टेस्ट होता है। हालांकि काफ़ी टाइम लगता है इनको फल और फूल आने में,
कई साल लगते हैं, करीब 20 साल 25 साल पुराना जब आपके पास ये पेड़ हो जाएगा एक ही जगह लगा हुआ, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, तब इसमें कहीं फल लगेंगे। और ये फल इंडिया में तो नहीं देखे गए, हो सकता विदेश में कहीं लगा हो तो फिर देखा गया हो। तो देखा तो अभी किसी ने, मेरे पास इतने टाइम से है पर मेरे यहाँ अभी तक फल और फूल आए नहीं। पर कहते हैं इसके बारे में कि फल और फूल दोनों लगते हैं, और फल का टेस्ट बनाना और पाइनएप्पल का टेस्ट जो होता है मिक्स, वो टेस्ट इसके फल का आता है। और इसे अगर आप सजावट के तौर पे बाहर बाउंड्री वॉल पे लगाते हैं तो ये बहुत ही शानदार दिखता है, बहुत खूबसूरत गेटअप आता है बाउंड्री वॉल का। अपने मेन गेट के आजू बाजू लगा दीजिए आप, या किसी एक लंबी चौड़ी दीवार पे आप लगा दीजिए, उसके सहारे से ये बहुत ही बढ़िया बढ़ेगा और बहुत ही सुंदर लुक आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते। And don't forget to like, share, comment and subscribe.